नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आप ही के YouTube चैनल पर। और दोस्तों, आज है संडे और मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ संडे का कमेंट बॉक्स, जिसमें कि मैं कमेंट बॉक्स से क्वेरी लेता हूँ, आप सभी की क्वेरीज के जवाब देता हूँ जो आप पूरे हफ्ते जो सवाल पूछते हैं मेरे से, कि गाड़ी से रिलेटेड, CNG किट से रिलेटेड। तो उसी के लिए मैं आज ये वीडियोस बनाता हूँ और जवाब देता हूँ आप सभी के। तो दोस्तों, सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट एक तो सवाल हम ले लेते हैं, जो बहुत जगह से आ रहा है, बहुत लोग पूछ रहे हैं कि CNG का अप्रूवल कब आएगा BS6 में। तो आप देख ही रहे हैं दोस्तों कि इस समय पे लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है, दिल्ली हो या मुंबई हो या UP हो, सभी जगह पे लॉकडाउन की कंडीशन बनी हुई है। कोरोना इतना ज़्यादा क्रिटिकल हो गया है, दिन पर दिन वो क्रिटिकल होता जा रहा है, लोगों का बचना बड़ा दुभर हो रहा है। तो ऐसे में सरकार ज़्यादातर जो ध्यान दे रही है, सरकार का जो कोई भी प्रोजेक्ट है, आप कहें अगर रोड ट्रांसपोर्टेशन होता है, NHAI का अगर कोई प्रोजेक्ट है या कोई टनल बन रही है या किसी भी तरह कोई प्रोजेक्ट है, तो ज़्यादातर 70-75% ये प्रोजेक्ट जो है बंद पड़े हुए हैं अभी, इसी वजह से, क्योंकि कोरोना इतना विकराल रूप लेता जा रहा है। अब कहीं मजदूर काम नहीं कर पा रहे, कहीं प्रोजेक्ट कोई रन नहीं कर पा रहा, कहीं ठीक से किसी तरीके का इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा है। गवर्नमेंट का सारा फोकस जो है COVID-19 के ऊपर है, इसको रिजॉल्व कराने को लेकर के, ये बीमारी को जल्दी से जल्दी भगाने से, मीन्स ये जल्दी से जल्दी लोगों का पीछा छोड़ दे और लोग जो है रोग मुक्त हो सके, भय मुक्त हो सके। और ये टेंशन जो इतनी बड़ी बनी हुई है वैक्सीनेशन से रिलेटेड, ऑक्सीजन सिलेंडर से रिलेटेड, आप देख रहे होंगे कितने ज़्यादा जो है केसेस ऐसे आ रहे हैं, डेली सेंट्रली मीटिंग हो रही है कि ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी पड़ गई, ऑक्सीजन की कमी पड़ गई, ऑक्सीजन सिलेंडर्स भी बहुत कम पड़ रहे हैं, क्योंकि इससे पहले तो सरकार ने कभी इतना अनुमान लगाया नहीं था कि इतनी बड़े पैमाने पर, इतने बड़े लेवल पर कोई भी बीमारी फैल सकती है, जिसमें कि ऑक्सीजन का इतना इम्पॉर्टेंट रोल रहेगा, या ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने लगेगी। अब क्या था, पुराने सिलेंडर्स थे जिसमें कि ऑक्सीजन दी जा रही थी, अब ऑक्सीजन सिलेंडर्स भी बहुत तादाद पे बनाए जा रहे हैं इसी के चलते। और मतलब ये था कि सारा फोकस जो है आपका कोविड से रिलेटेड है, इसको बीमारी से छुटकारा कैसे पाया जाए। अब ऐसे में सारे प्रोजेक्ट बंद हैं, तो किसी तरीके का अप्रूवल भी आना मैं नहीं समझता कि जो आ पाएगा, या फिर जल्दी ही सरकार इसको कुछ दे पाएगी अप्रूवल, क्योंकि लोग बाग जब घर में ही कैद हैं, इस समय लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है, बीमार हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी में हैं, ऐसे में क्या अप्रूवल देगी सरकार, क्या नहीं देगी, ये कहना बड़ा मुश्किल है दोस्तों। तो मैं वही कहना चाहता हूँ कि जो लोग ये पूछ रहे हैं कि भाई BS6 में अप्रूवल क्या कब तक आएगा, तो देखिए एक चीज़ समझिए, इसके बीच में जो कोरोना चल रहा है अभी, तो आप भूल जाएगी कि कोई अप्रूवल आएगा। हालांकि सरकार में कुछ जो अधिकारी थे, कुछ RTO के जो ऑफिसर्स थे, वो बोल रहे थे ऐसा, जिससे मैंने भी बात करी और मेरी पिछले वीडियोस में भी आप देखते ही हैं कि मैं कहता हूं कि मई में इसका जो है अप्रूवल आ सकता है। पर अब कितना डिले होगा, क्योंकि आगे देख ही रहे हैं सिचुएशन कितनी वर्स्ट होती जा रही है, लोगों का जीना दुभर हो गया है पूरे कंट्री में, मतलब 30-35% का जो है इफेक्ट इन्फेक्शन रेट फैलता जा रहा है। तो ऐसे में अप्रूवल आएगा मई में कि नहीं आएगा, ये संशय में है दोस्तों। मेरे को ऐसा लगता है कि शायद ये आगे डेट बढ़ सकती है, क्योंकि अभी पूरा फोकस नहीं है गवर्नमेंट का किसी और चीज़ों पे, अभी सीधा सीधा फोकस है उनका COVID-19, इस कोविड वायरस के ऊपर। तो जिसको जो ये लोग ये पूछ रहे थे कि भाई कोविड इसका कब तक आएगा अप्रूवल BS6 में, CNG फिटिंग का जो RTO अप्रूवल होगा, तो उनको जवाब मैं समझता हूँ मिल गया होगा, वो अपना जवाब जान चुके होंगे। और दूसरा जो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आता है दोस्तों, वो ये लोग पूछ रहे हैं कि हमें टोमेसिटो की जो CNG किट है वो क्यों नहीं रिकमेंड करता। टोमेसिटो एक अर्जेंटीना का ब्रांड है, स्टार्टिंग में अर्जेंटीना में प्रोडक्शन शुरू हुआ था इसमें, उसके बाद फिर इन्होंने इटली में भी अपना प्लांट लगाया, इटली में भी स्टार्टिंग करी प्रोडक्शन की, और उसके बाद महाराष्ट्र में इनका एक रीजनल ऑफिस है, महाराष्ट्र में एक इनका इम्पोर्ट ऑफिस है, जहाँ से पूरे इंडिया में डिस्ट्रीब्यूशन इनका CNG किट का होता है। पर दोस्तों कि ये जो टोमेसिटो की किट है, बीच में बहुत ज़्यादा ऐसी न्यूज़ आई थी, बहुत ज़्यादा ऐसे मतलब र्यूमर्स आए थे, वो सही हैं या गलत हैं, कि टोमेसिटो की किट जो है चाइना में मैन्युफैक्चर हो रही है, जो कि डुप्लीकेट हो रहा है, मतलब उसकी डुप्लीकेसी हो रही है। अब डुप्लीकेसी अगर किसी चीज़ की होने लगे, तो एक दिमाग में एक सेंटिमेंट एक ऐसा हो जाता है कि यार कहीं ऐसा ना हो कि हमारी इतनी महंगी एक तो किट लें, ऊपर से वो डुप्लीकेट अगर मिल गई तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, कई तरह की समस्याएं हो जाएंगी। वो दिखती बिल्कुल वैसे ही है, उसका जो ECU होगा वो भी बिल्कुल वैसा ही दिखने वाला होगा, रिड्यूसर और बाकी सारी चीज़ें, इवन पैकिंग तक भी वही आ रही है। अब उसमें सॉफ्टवेयर भी जो इंस्टॉलेशन होता है वो वही वाला होता है जो ओरिजिनल टोमेसिटो की में होता है।
तो दोस्तों ये चीज अगर पायरेसी हो रही है किसी तरीके की, डुप्लीकेसी हो रही है अगर किसी सीएनजी किट की, तो मैं उस चीज को अगर रिकमेंड आपसे करता हूं तो ये मेरे लिए गलत है, आप लोगों के लिए भी गलत इन्फॉर्मेशन मतलब मैं आप तक पास कर रहा हूं, ये गलत होगा। तो जब तक ये श्योरिटी नहीं हो जाती है कि जो किट आ रही है वो डायरेक्ट इटली से आ रही है या अर्जेंटीना से आ रही है, तब तक जो है मैं इसको रिकमेंड नहीं करूंगा दोस्तों। बाकी आपकी इच्छा है, आप टोमेसिटो लगवाना चाहें, बहुत अच्छी किट है। अगर टोमेसिटो ओरिजिनल अगर मैं आपको बताना चाहूं तो टोमेस्टो की जो किट है बहुत बेहतरीन है, इसका परफॉर्मेंस बेजोड़ है और ज़्यादातर कारों में ये कंपैटिबल हो जाती है, या चाहे वो होंडा की कार हो, मारुति की कार हो, टाटा की कार हो, या फिर जो है फोर्ड की हो, या फिर आपकी सेवरोले की हो, टोमेसिटो की किट बहुत ज़्यादा कंपनीज की कारों में कंपैटिबल हो जाती है, बहुत अच्छे से फिटिंग हो जाती है, जिसका बस इंस्टॉलेशन अच्छे से किया गया हो और साथ ही साथ उसमें जो सेटिंग्स की गई है लैपटॉप से और जो उसको कैलिब्रेशन किया गया है उसका, वो बहुत अच्छे से किया हो गाड़ी के अकॉर्डिंग, गाड़ी की इंजन के अकॉर्डिंग अगर किया हो तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस इससे निकल करके आता है दोस्तों। पर अभी जब तक श्योरिटी नहीं है कि किट कहाँ बन रही है, देखिए सब चीज़ किट की प्राइवेसी जो इसकी जो पायरेसी हो रही है उस पर इवन मेड इन इटली उसके वेल्व पे भी लिखा हुआ है, उसके जो है रिड्यूसर पे भी लिखा हुआ है, ईसीयू पे भी लिखा है, इंजेक्टर्स पे भी लिखा है, मैप सेंसर्स पे भी लिखा है, सभी चीज़ों पे मेड इन इटली लिखा है, आप कहीं से कहीं तक पता लगा नहीं पाते हैं। तो इसीलिए दोस्तों मैं इसको अभी तक रिकमेंड नहीं करता हूँ। बाकी देखिए जो मैंने आपको पिछली वीडियोज़ में भी बताया कि मेरे जो वीडियोज़ हैं आपको उसमें सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी सीएनजी से रिलेटेड, अगर आप मेरी वीडियोज़ देखते हैं। मैं बार बार कहता हूं कि अगर कोई क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन ना पूछ करके अगर एक बार आप वीडियोस मेरी देख लेंगे वीडियो सेक्शन में जाकर के, जो मैंने प्लेलिस्ट भी बनाई हुई कि सीएनजी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन का पूरा एक प्लेलिस्ट अलग है, स्विफ्ट गाड़ी में कौन सी किट लगानी चाहिए या मारुति की कौन सी गाड़ी के लिए कौन सी किट कंपैटिबल है उसके लिए भी मैंने वीडियोज़ बनाई हुई है, ह्यूंडई के लिए कौन सी सीएनजी किट कंपैटिबल रहेगी उसके लिए वीडियोज़ बनाए हुए हैं। तो दोस्तों सभी तरह के वीडियोज़ मैंने बनाए हैं, अगर आप उन वीडियोज़ को देख लेंगे तो आपकी जितनी भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी डाउट हैं, मैं समझता हूं कि काफ़ी हद तक आपके क्लियर हो जाएंगे। फिर भी अगर आप क्वेश्चन भेजते हैं तो उसी के लिए मैं आप ये संडे का जो वीडियोज़ होता है मैं इसी में बना रहा हूं और बता रहा हूं आपको, कोशिश कर रहा हूं कि आपके डाउट जो गाड़ी से रिलेटेड सीएनजी से रिलेटेड हैं वो क्लियर हो जाए, उसमें किसी तरह का कोई संदेह ना रहे कि कौन सी किट इंस्टॉलेशन करानी चाहिए कौन सी नहीं करानी चाहिए। तो यही चीज़ें हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, मैं देख लेता हूँ किसने भेजा अगला क्वेश्चन और वो क्या पूछना चाह रहे हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहे हैं रिंकू शर्मा, भाई जी मेरे पास सियाज हाइब्रिड है, उसमें सीएनजी का अप्रूवल आएगा नहीं, आएगा या नहीं? मैं इसका आंसर दे चुका हूँ। देखिए गाड़ी से इस अप्रूवल का कोई लेना देना नहीं है, अप्रूवल आएगा तो सभी BS6 इंजन्स के लिए आएगा, एक किसी पर्टिकुलर कार या पर्टिकुलर ब्रांड के लिए नहीं आएगा, वो पूरी जितने भी BS6 नॉर्म्स के इंजन्स हैं उसके ऊपर CNG किट का अप्रूवल आएगा, तो सभी के साथ आएगा। फिर उसके बाद जो भी होगा मतलब कौन सी किट अप्रूव होती है BS6 के लिए कौन सी नहीं होती है वो गवर्नमेंट तय करेगी कि किस किट को देना चाहिए किस किट को नहीं देना चाहिए। उसके बाद जब गवर्नमेंट से आ जाएगा उसके बाद स्टेट का काम होता है उसको अप्रूव करना कि स्टेट के अंदर कौन सी किट को अप्रूवल दिया गया है। जिस तरीके से दिल्ली में कुछ चुनिंदा सीएनजी किट्स के ऊपर अप्रूवल है, कुछ जैसे जवोली बोरा जो है वो दिल्ली के अंदर अप्रूव नहीं है जबकि गुजरात में और महाराष्ट्र में उसको अप्रूवल दिया हुआ है। इसी तरीके से यूपी में कुछ ऐसी सीएनजी किट्स हैं जिनको अप्रूवल मिला हुआ है, सिर्फ चुनिंदा है। तो जब एक बार आ जाएगा गवर्नमेंट से ये ऑर्डिनेंस पास हो जाएगा उसके बाद जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट है वो इम्प्लीमेंट करेंगी इसको कि कौन सी किट को अप्रूवल देना है कौन सी नहीं। लिस्ट एक जारी हो जाती है सरकार से कि भाई ये किट कंपैटिबल है BS6 इंजन के लिए, आप लगा सकते हैं और RC के एंडोर्समेंट के लिए अब आप करा सकते हैं। तो जैसे ही ये खुलेगा मैं आपको सबसे पहले कोशिश करूंगा कि इन्फॉर्मेशन दे दूँ, जैसे ही अप्रूवल पास होता है, जैसे ही ये स्टार्टिंग हो जाती है कि RTO में पासिंग हो रही है, सबसे पहले मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा अपने इस चैनल से। दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि किसने भेजा है एक बार। अगला क्वेश्चन भेजा राकेश जी ने, सर आफ्टर मार्केट CNG लगवाने पर CNG रिड्यूसर में वाटर कनेक्शन पाइपलाइन लगवाने का क्या फ़ायदा है या क्या नुकसान है, जबकि फैक्ट्री फिटेड CNG रिड्यूसर में वाटर पाइपलाइन होती होती है, तो क्या सही है या क्या गलत? देखिए वाटर कनेक्शन जो पाइपलाइन होती है वो कन्वेंशनल किट में लगा करती थी, मैं समझता हूँ कि वो जो वाटर कनेक्शन का जो वो है पाइप्स वो सीक्वेंशियल जो आज की किट आ रही है उसमें रिक्वायरमेंट नहीं है, उसमें आपको ज़रूरत नहीं है लगवाने की, वो बेसिकली जैसे नॉर्मल लगती है वैसे ही लगेगी क्योंकि वो ECU से रेगुलेट होती है, उसको वाटर्स का कनेक्शन देने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी आप एक बार चाहें तो अपने
किसी फिटमेंट सेंटर से पूछ सकते हैं, जितनी नॉलेज मुझे है मैं उस तक आप तक पहुंचा रहा हूं कि मेरे को ये जो लगता है कि सीक्वेंशियल किट में वाटर कनेक्शन की जरूरत नहीं है, ये कन्वेंशनल किट जो आती थी पहले थ्रॉटल बेस आती थी वो उसमें जरूरत होती थी। उसमें थ्रॉटल बेस जो किट होती थी उसमें क्या था कि सारा कुछ मैनुअल था, आपकी गैस इंजन में कितनी जानी है सब कुछ हम मैनुअल छेड़छाड़ कर सकते थे। अभी क्या सीक्वेंशियल किट में जितना, जैसे जब से ये ईसीयू वाली किट आ गई है जिसको सीक्वेंशियल किट कहा जाता है, इसमें आप कुछ भी ऐसा छेड़छाड़ फालतू का नहीं कर सकते, जो भी रेगुलेट होगा जो भी कुछ कंट्रोल हो रहा है सारा कुछ ईसीयू से होता है, कितनी गैस भेजनी है कितने प्रेशर में भेजनी है सब कुछ रेगुलेट करता है ईसीयू, और ईसीयू मैसेज भेजता है रिड्यूसर को, रिड्यूसर अपना काम करता है। मैं समझता हूँ कि आपको क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। अगला क्वेश्चन भेजा है जुगल जी ने, जो पूछते हैं टोमेटो सीएनजी किट कैसी है, उसे यूज़ करना चाहिए कि नहीं। मैंने आपको सबसे पहले इसका आंसर दे दिया जुगल जी, अब आप डिसाइड कर सकते हैं आपको लगानी कि नहीं लगानी। हालांकि असली किट्स भी आ रही हैं बट पहचान करना बहुत मुश्किल है कि ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट है। फिर भी अगर उस पर बारकोड अगर दिया हुआ है तो मैं सजेस्ट करूंगा आपको सीएनजी किट पे अगर बारकोड है तो आप उसको स्कैन कर लें, पर स्कैन करने में भी एक समस्या है कि वो बारकोड तो इतना छोटा होता है कि उसको स्कैन नहीं किया जा सकता। मैंने एक बार करके भी देखने की कोशिश करी थी बट वो स्कैन नहीं हो पाता था। हाँ, अगर सीरियल नंबर है, जैसे लोवेटो है, लोवेटो की किट का सीरियल नंबर आप वेरीफाई कर सकते हैं लोवेटो की वेबसाइट पर विजिट करके, वहाँ पर सीरियल नंबर डाल के पार्ट का पार्ट नंबर आप डालेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि प्रोडक्ट ऑथेंटिक है कि नहीं है, ओरिजिनल है या नहीं है। बट हर वेबसाइट पर यह चीज़ आपको नहीं देखने को मिलती, हर कंपनी ऑथेंटिकेशन का जो ये प्रोसेस है ये प्रोवाइड नहीं कराती है। और दोस्तों बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो रिपीटेटिव आ रहे हैं, जैसे कि ईको में कौन सी किट लगानी है, स्विफ्ट में कौन सी बेस्ट रहेगी किट, सियाज में कौन सी रहेगी, हुंडई की ऑरा में कौन सी किट बेस्ट रहने वाली है, हुंडई की वेन्यू में बहुत सारी क्वेश्चंस ऐसे आ रहे थे कि हुंडई की वेन्यू में कौन सी किट लगाएं, टर्बो इंजन्स में कौन सी किट लगाएं। तो इसके सारे आंसर मेरी पिछली वीडियोस में हैं, आप जाकर के देख सकते हैं। कुछ वीडियोस के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा तो आप वहां से भी देख सकते हैं। वैसे मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, बेस्ट तरीके से प्लेलिस्ट बनाई है, आप जाकर के अगर आप प्लेलिस्ट में देखेंगे तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, किसी तरीके का कोई डाउट नहीं रहेगा। टर्बो इंजन्स के लिए भी किट है, जैसे गेस्टेक है, लोवेटो की EXR है, लोवेटो COVD2 है, ये जो किट्स हैं ये टर्बो इंजन्स पे भी काम करती हैं। और एक मिजो प्रीमियम है, ये भी कई हद तक कैपेबल होती है टर्बो इंजन्स के लिए। तो बहुत अच्छी किट्स हैं ये जो भी मैं बता रहा हूँ आपको, बहुत अच्छे से कंपेटेबिलिटी मैच होती है, बहुत ज़्यादा बढ़िया हैं किट्स। मैं बहुत सारी किट्स हैं, जैसे कि एम सीक्वेंट भी है, ई ग्रीन भी है, आपकी HR भी है, बहुत सारी ऐसी किट्स मिल जाएंगी आपको, ऑटोमोटो है। तो ये सब भी किट्स मतलब मैं बताना चाहूँगा इटालियन है, बट इटालियन में से भी कुछ चुनिंदा ऐसी किट्स जो मैं आपको बताता हूँ हमेशा से अपनी वीडियोज़ में रिकमेंड करता हूँ, वो किट सबसे बेस्ट है। ऑटोमोटो अगर जो है 10 गाड़ियों में लगेगी तो आपकी मोटोजिन मीजो प्रीमियम ये लगेगी 100 गाड़ियों में, BRC लगेगी 100 गाड़ियों में, अगर आपकी HR या फिर दूसरी ई ग्रीन लग रही है 10 गाड़ी में तो परसेंटेज बहुत डाउन रहता है इसका। अच्छी वो भी किट्स हैं बट उनका जो एक मैं आपको हमेशा से वो किट सजेस्ट करता हूँ जिसके पार्ट्स, जिसकी सर्विसिंग आसानी से आपके नियर बाई एरिया में नियर बाई फिटमेंट सेंटर पे हो सके। एक किट बहुत महंगी ले ली, उसके फिर सॉफ्टवेयर नहीं मिल रहे, अपग्रेड नहीं करा पा रहे उसको, कोई उसमें अगर कोई फॉल्ट आ गया है उसको नहीं रेक्टिफाई करा पा रहे तो फिर वो फ़ायदा नहीं है ना उस चीज़ का। प्रोडक्ट तो बहुत सारे मार्केट में बट अवेलेबिलिटी किसकी है मैं उसके आधार पर चुनता हूँ, बेस्ट कौन सी है उसके आधार पर मैं सेलेक्ट करके आपको बताता हूँ। जो सर्विसेबल इजी हो, इजी टू रीच है, इजी टू मेंटेन है और आपकी ज़्यादा कॉस्ट में भी नहीं है और जिसके सॉफ्टवेयर, जिसकी अपग्रेडेशन बहुत लोग आसानी से कर देते, क्योंकि कहते ना जैसे स्कूटर्स में चेतक बजाज का और मोटरसाइकिल में हीरो होंडा की, हीरो की आपकी स्प्लेंडर, ये ऐसे गाड़ियां हैं जो कोई भी सड़क चलता जो है रिपेयर इनको कर देता और आसानी से इसके पार्ट्स अवेलेबल हो जाते हैं। इसी तरीके से मोटोजन मीजो प्रीमियम, लोवेटो, आपकी जवोली और ये कुछ किट्स ऐसी हो जाती हैं जैसे कि BRC, ये किट्स ऐसी हैं जो सदाबहार किट्स हैं, ये कभी आउटडेटेड नहीं होंगी, होंगी भी तो इसके सॉफ्टवेयर, इसके पार्ट्स, इसके मैकेनिकल इक्विपमेंट्स आपको आसानी से बाजार में मिल जाएंगे, आपको ज़्यादा भटकना नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए दोस्तों मेरा ये हमेशा से उद्देश्य रहता है कि आपको अगर सही चीज़, सही जानकारी आपको उपलब्ध कराई जाए, किसी भी तरीके की कोई गलत जानकारी ना आप तक पहुँचे, ये मेरी कोशिश रहती है। तो दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा,
ये वीडियो यहीं तक, मैं ज्यादा लंबा नहीं करूंगा वीडियोस को, क्योंकि क्वेश्चंस तो बहुत सारे हैं, बट रिपीटेटिव जो क्वेश्चंस हैं उसके आंसर मैंने आपको यही कहना चाहूंगा, मेरी पुरानी वीडियो में सभी क्वेश्चंस के आंसर मैंने दिए हैं, कौन सी बेस्ट है सेडान कार के लिए, कौन सी हैचबैक कार के लिए, कौन सी टर्बो इंजन के लिए, कौन सी आपको मारुति के लिए, कौन सी ह्यूंडई के लिए, सभी के क्वेश्चंस के आंसर्स मैंने दिए हुए हैं, तो आप पिछली वीडियोस में देख सकते हैं। तो दोस्तों जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए, क्योंकि बहुत काम का चैनल है आपके लिए, आपको सीएनजी से रिलेटेड, आपकी कार से रिलेटेड बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन मैं लेकर के आता हूँ जो आपको जाननी चाहिए, और जो जान करके आप अपनी जानकारी बढ़ा सकते हैं, आप अपनी गाड़ी में एक सही सीएनजी किट लगवा सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं तक, अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और सुरक्षित चलें।